ट्रकों का त्रिपाल काटकर माल चोरी करने वाले संगठित गैंग के फरार शातिर सरगना गैंगस्टर हिमांशु साहनी को गीडा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने पुलिस लाइन के पुलिस सभागार कक्ष में प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि गीडा पुलिस ने शनिवार को सेक्टर 23 से बोकटा डिहवा निवासी गैंगस्टर के आरोपी हिमांशु साहनी को अरेस्ट कर लिया। वह अपने साथियों के साथ मिलकर हाईवे किनारे रात में खड़े होने वाले ट्रकों का त्रिपाल काटकर सामान चोरी करता था, साथ ही यह शराब गांजा आदि नशीले पदार्थों की तस्करी भी करता है। इसका एक संगठित गैंग है जिसमें कई सदस्य शामिल हैं। इस गैंग के अन्य सदस्य पहले ही जेल जा चुके हैं। हिमांशु साहनी 2021 से ही गैंगस्टर का केस दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहा था। उस पर 15,000 का इनाम भी घोषित है। मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा उसे जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में गीडा थाना प्रभारी निरीक्षक राहुल कुमार सिंह, उप निरीक्षक बैजनाथ, उप निरीक्षक विवेक कुमार सिंह, कांस्टेबल यादवेंद्र यादव, धनंजय सिंह, दीपक सिंह यादव, रामनारायण शुक्ला, महिला कांस्टेबल कंचन कुशवाहा, सर्विलांस प्रभारी राजेंद्र सिंह, कांस्टेबल अमित मिश्रा, कांस्टेबल अरुण कुमार राय शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, छोड़ दिया 1.5 साल हो गया। अच्छा, क्यों करते थे? शौक के लिए कैसे? नहीं, संगत गलत सब। अच्छा, गलत संगत की है। पहले भी जेल गए हो? पहले भी संगत में हो? कौन कौन है? मैं सब समय कोई सर जैसा नहीं सर, 1.5 साल से सर मुझसे कोई बातचीत नहीं होती है। तो 1.5 साल पहले ही तो मुकदमा कायम हुआ। उसके पास सर हमारा कुछ नहीं है सर, कहीं केस से कोई लिंक नहीं है, कोई लिंक नहीं। अच्छा, 1.5 साल से कोई अपराध तुम नहीं किए? अच्छा, ये बताओ तुम्हारे गांव में कितने अपराधी होंगे? चार पांच लोग। भोक्ता कहाँ रहे? मुझे तो लगता है जो जेल गए हैं, नहीं जेल नहीं अपराधी। हम सर वहाँ गाँव में जल्दी गए ही नहीं सर, क्योंकि बचपन से 2016 से 2017 से रह रहे हैं। बचपन हम बस्ती पढ़े पढ़ रहे थे वहाँ, एक मामा की अपने। अच्छा, परिवार में कौन कौन है? मामा की एक सिस्टर है। मम्मी पापा नहीं? पिताजी 2012 में देखो। मम्मी 2018 में। मम्मी पापा नहीं है? इसमें उम्र नहीं पड़ी है क्या? प्रदेश पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संगठित अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के क्रम में थाना गीडा की टीम ने आज एक कुख्यात गैंगस्टर का अपराधी हिमांशु साहनी को गिरफ्तार किया गया है। ये मुकदमा अपराध संख्या 264/21 धारा 3 UP गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत वांछित था और इसके ऊपर 15,000 रुपये का इनाम था। इसको आज प्रातः 11:40 पर गिरफ्तार किया गया है और इसको विधिवत कार्रवाई के उपरांत जेल भेजा जाएगा। इसके ऊपर करीब 7 मुकदमे हैं, जिसमें एक गैंगस्टर का और बाकी चोरी और मादक पदार्थों की तस्करी के मुकदमे हैं। ये बोकटा गांव है, एक थाना गीडा के अंतर्गत, वहीं का रहने वाला है।